इसराइल ने बॉर्डर पर 3 लाख और सैनिक भेज दिए हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये कि बीती रात गाजा पर फिर से इसराइल ने हमला बोला है। तीसरी बड़ी बात ये कि इस बार मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है। हमास ने बच्चों समेत बंधकों के कत्ल की धमकी दी है। हमास ने धमकाया है और कहा है कि हर एक अटैक के बदले हम फांसी पर लटकाएंगे बंधकों को। पांचवी बड़ी खबर, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल ने हमला किया है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती ये भी बना हुआ है। छठी बड़ी खबर, इटली ने मदद के लिए KC-46 रिफ्यूलर भेजा है। और इसके अलावा खबर नंबर 7, आतंक के खिलाफ इसराइल के साथ अमेरिका है। जो बाइडन ये पहले ही अपना समर्थन दे चुके हैं, साफ कर चुके हैं। आठवीं बड़ी खबर, यहूदियों की सुरक्षा तक इसराइल को नहीं रोकेंगे, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भी ये साफ कर दिया है। इसके अलावा नौवीं बड़ी खबर यह है कि हमास जंग में ना कूदे सीरिया, यूएई ने यह कह दिया है कि सीरिया की सरजमी का इस्तेमाल ना हो इसराइल के खिलाफ। और दसवीं बड़ी खबर क्या है, वो ये कि हमास के समर्थन में टर्की उतर गया है और कहा है कि मस्जिदों पर हमले बर्दाश्त नहीं है। तो देखिए, दो धड़ों में बटा हुआ जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है इस वक्त नजर आ रहा है।